हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड शेयर के ऊपर में। आज के सेशन में हमें लगभग स्टॉक 45 रुपीज़ 32 पैसे पर क्लोज होते हुए देखने को मिला और मामूली सी बढ़त देखने को मिली। और हालांकि अगर हम देखें लास्ट वन मंथ में तो स्टॉक में हमें लगभग 9.5% की गिरावट देखने को मिली है और काफ़ी समय से जो स्टॉक है वो हमें एक रेंज में ही ट्रैवल करते हुए देखने को मिल रहा है। देखते हैं लास्ट वन ईयर में हमें 9% के पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो स्टॉक है वो हमें लगभग एक रेंज में ही देखने को मिल रहा है। लगभग 42 रुपीज़ से लेकर 61 रुपीज़ की रेंज में हमें स्टॉक ट्रैवल करता हुआ देखने को मिल रहा है। और इस स्टॉक में आप देखोगे तो कंटिन्यू ऊपर ही लेवल पर हमें सेलिंग बनते हुए देखने को मिलती है, प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिलती है। और इसी वजह से आप देखेंगे जो स्टॉक है वो हमें नीचे आता हुआ देखने को मिला है। हालांकि स्टॉक में हमें एक न्यूज़ भी देखने को मिली थी, तो जैसे लास्ट वन मंथ में हमें जो स्टॉक है वो गिरते हुए देखने को मिला था। तो FY25 के लिए जो मैनेजमेंट ने अपने जो गाइडेंस है उन्हें कट किया था, तो ये न्यूज़ थी, तो इसी का हमें इम्पैक्ट देखने को मिला था। इसी वजह से स्टॉक हमें थोड़ा सा नीचे आता हुआ देखने को मिला था। जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के फंडामेंटल्स देखे जाए तो यहाँ पे अगर मार्केट कैपिटल की बात की जाए तो 8,747 करोड़ का हमें देखने को मिलता है। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो 6.82 का हमें देखने को मिलता है। और अगर ROCE की बात की जाए तो 11.1% का देखने को मिलता है। वहीं ROE देखें तो 26.7% का हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं आप देखेंगे तो जो स्टॉक है वो उसका जो पैग रेशियो है 0.15 का देखने को मिलता है। और अगर इंट्रेंसिक वैल्यू देखी जाए तो 101 रुपए की हमें इंट्रेंसिक वैल्यू देखने को मिलती है। अगर डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 3.31% की डिविडेंड यील्ड शानदार हमें देखने को मिलती है। और आप एक और चीज़ देखिए तो इंडस्ट्री पी हमें 12.5 का देखने को मिलता है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे स्टॉक का जो पी है यहाँ से हमें लगभग आधा देखने को मिलता है। और अभी आप देखोगे 6.82 का हमें पी देखने को मिलता है और इंडस्ट्री पी 12.5 का है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हमें अंडर वैल्यूड स्टॉक भी देखने को मिलता है। अगर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हमें 176 करोड़ का देखने को मिलता था और एक साल पहले से अगर कंपेयर किया जाए जहाँ 134 करोड़ का देखने को मिलता था, तो कंटिन्यू हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट अर्न की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं 1528 करोड़ का हमें देखने को मिलता है, ये भी हमें कंटिन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप देखेंगे जो इंटरेस्ट अर्न है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात की जाए तो ये भी आप देखेंगे तो कंटिन्यू हमें हर क्वार्टर के साथ में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर ऑपरेटिंग इनकम की बात की जाए तो ऑपरेटिंग इनकम भी आप देखेंगे तो हमें 518 करोड़ के करीब देखने को मिलती है और ये भी आप देखोगे तो कंटिन्यू हमें ग्रोइंग फेज में जाती हुई देखने को मिल रही है। वहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करी जाए तो 329 करोड़ का हमें देखने को मिलता है। प्रीवियस क्वार्टर में 300 करोड़ का था, एक साल पहले 309 करोड़ का था। ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेसिस पर ही काफ़ी ज़बरदस्त हमें नतीजे देखने को मिले थे। 1.5 रुपीज़ का डिविडेंड भी देखने को मिल रहा है और जिसकी एक्स डेट जो है वो हमें देखने को मिलेगी 12 जुलाई। तो फंडामेंटली वाइज तो स्टॉक मुझे काफ़ी सही लगता है। चार्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टॉक है यहाँ पे और ज़्यादा सिंपल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैं देखिए तो वीकली टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे जो स्टॉक है वो हमें लगभग अभी सपोर्ट के पास में ही चलता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये सपोर्ट आप देखेंगे तो इस तरीके से ये जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन पर स्टॉक हमें सपोर्ट देखने को मिलता है। इससे पहले भी आप देख सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर लिया था, यहाँ पर लिया और यहाँ पर भी अभी स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे अगर हम कुछ EMA यूज़ करते हैं, ये जो ग्रीन लाइन है ये 100 डेज़ का जो एक्सपोनेंशियल है वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसका लेवल भी हमें 43 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो इस स्टॉक के लिए एक इम्पॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो हमें 43 रुपीज़ का देखने को मिलता है। अगर 43 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं स्टॉक हमें फ्री 38-37 रुपीज़ के करीब आते हुए भी देखने को मिल सकता है। ऊपर की साइड में आप देखेंगे तो कंटिन्यू हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलता है और ये लेवल क्या निकल के आ रहा है, ये लेवल हमें 62 रुपीज़ का निकल के आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो 62 रुपीज़ के लेवल को जब निकालेगा स्टॉक तो यहाँ से काफ़ी तेज़ी से हमें यहाँ पे इस स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इसी तरीके से यहाँ से मैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखता हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।